भारतीय डाक विभाग द्वारा शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण उत्सव एवं जीआई उत्पादों पर विशेष आवरण व विरूपण विमोचन कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त बनारसी पान पत्ता, बनारसी रंगड़ा आम, रामनगर का भंटा और चंदौली के आदम चीनी चावल पर विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन किया। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र के लाभार्थियों को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी सेल्व कुमार, पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव के साथ पासबुक वितरित करते हुए सशक्त नारी समृद्ध समाज का आह्वान किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याणकारी योजनाओं में सदैव महिलाओं को प्राथमिकता दी है। डाक विभाग की भूमिका में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नारी शक्ति के भविष्य को सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुकन्या समृद्धि योजना और आज़ादी के अमृतकाल में आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र योजना डाक विभाग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही है। वाराणसी क्षेत्र में 2.95 लाख बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुले हैं। वहीं 835 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम बनाया गया है। अप्रैल 2023 में आरंभ महिला सम्मान बचत पत्र में डेढ़ माह के अंदर वाराणसी क्षेत्र में 3000 से ज़्यादा महिलाओं ने 19 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश किए हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की संकल्पना से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने हेतु डाकघर आज चलते फिरते बैंक की भूमिका निभा रहे हैं। डाक विभाग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि घर घर अभियान चलाकर जिस तरह से तमाम योजनाओं से बेटियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को जोड़ा जा रहा है वह प्रशंसनीय है। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। महिलाओं के बिना समाज का समावेशी विकास संभव नहीं है। डाक विभाग जिस तरह से प्रधानमंत्री की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहा है वह सराहनीय है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अहर्निशम सेवा मह के तहत डाक विभाग अब लोगों तक सिर्फ पत्र ही नहीं पहुंचा रहा बल्कि सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं और इनके लाभों को भी लोगों तक पहुंचा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सम्मान बचत पत्र योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनेगी तो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी साकार होगी। वाराणसी की समृद्ध विरासत को डाक टिकटों और विशेष आवरण के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक संचारित करने में डाक विभाग की अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी सेल्व कुमार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिकृति संचार राज्य मंत्री को भेंट की। आभार ज्ञापन प्रवर डाक अधीक्षक राजन राव और संचालन अजिता कुमारी ने किया। स्वच्छता देखी और कब मैं जब आया था तब रोड भी इतनी चौड़ी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बताओ तो जो मैं जब आया था मुझे याद है कि बिजली के तार ये सब जो जिस तरीके से रास्ते में लटक रहे थे या एक तरह से ज़मीन पे थे आज हर तार को मैंने स्ट्रीमलाइन भी देखा है, नगर में स्वच्छता भी देखी है और इतनी चौड़ी रोड और नेशनल हाईवे जैसे रोड्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मुझे कुछ ही घंटा हुआ है, मैं अभी घाट पे भी जाऊंगा, दर्शन करने के भी लिए जाऊंगा और इस पावन धरती को मैं बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेती हूँ जरूर।